कंगना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आर इंडस्ट्री एंड शी हैज़ डन ए ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी दिस फिल्म. बुला लेते हैं उन्हें. वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि 7 साल आपने एक सपना देखा और एक दिन वो अब वो सपना आपका नहीं रहा, वो सबका हो गया और उसको देखना सामने जो आपने इतने सालों तक इमेजिन किया उसे पर्दे पे देखना, उसको पूरा जीवंत देखना, पूरा अलाइव देखना, उसका एक बहुत ही बड़ा सुख होता है. बड़ा क्रिएटर की फीलिंग होती है, क्रिएटिविटी का पीक होता है वो. और करीना का साथ मैंने ओमकारा में काम किया था, हम दोनों का रेपो बहुत अच्छा है और मैं करीना के साथ आगे काम करना चाहता हूँ और मैं भी करीना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. अगर इसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कहेंगे तो वाईकॉम की हर फिल्म ही एक्सपेरिमेंटल है और अगर वैसा है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में और यही इस बिज़नेस को बाकी बिजनेस से अलग करता है कि आप जो कर रहे हैं वो हर बार आप कुछ नया आयाम उसमें ढूंढते हैं. तो आई थिंक अगर हर फिल्म अपने आप में एक्सपेरिमेंट है तो ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल है और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वी टोटली आइडेंटिफाई विद यू नो विशाल जी इज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग बिकॉज ये भी एक अलग रंग ढूंढते अपनी फिल्मों में तो इसलिए हम लोगों का जुड़ना इसमें बहुत ही एक नेचुरल या बड़ी लाजमी सी बात रही है. और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म में नाच गाना नहीं है या बॉलीवुड नहीं है. मज़े की बात यह है कि फिल्म एक्चुअली एक एक्ट्रेस की ही स्टोरी है जो सरहद पर जाके उस वक्त उस बैकड्रॉप में फोर्सेज को एंटरटेन कर दिया तो इसमें बहुत नाच गाना भी है लेकिन ऑफ कोर्स वो विशाल भारद्वाज के अंदाज में है और वही उस फिल्म की यूनिकनेस है. एक्चुअली क्या है कि जब बचपन में हम सब लोग थे होते हैं हमको वो कीचड़ में धूल में लेटना बहुत बहुत उसका एन्जॉयमेंट होता है क्योंकि उसी से रोका जाता है और जिस चीज़ से रोका जाए वो चीज़ आपको ज़्यादा एक्साइट करती है. और ये जो कहानी का जिस मोड़ जहाँ पे आता है वहाँ पे उससे पहले बहुत बारिश हुई है और जिस बंकर में वो लोग छुपे हुए हैं उसके बाहर पूरी कीचड़ है और सडनली उन दोनों की बातचीत होते होते रोमांस में एकदम बच्चों की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है तो वो दोनों एकदम बच्चों की तरह एक दूसरे से कीचड़ में लड़ते हैं. तो वो जो उनकी इट्स अ मड फाइट हमारा जो पूरी फिल्म है जब हम कर रहे थे इसका रेफरेंस मड फाइट था तो वो जो मड फाइट उसके अंदर होती है और वो ग्रो करते करते रोमांस में बदल जाता है. बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी अनछुई जगह है और अगर कहा जाए तो थोड़ी सी नेगलेक्टेड जगह भी है कि जहाँ से सेंटर से उतना वहाँ पे अभी नहीं पहुँचा है. इतने खूबसूरत लोग हैं और सबसे जो खूबसूरत बात वहाँ की है जो किसी को नहीं पता है
जितनी हिंदी अच्छी अरुणाचल में बोली जाती है वो हिंदी हमारे बॉम्बे में उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोली जाती है। वहाँ एक एक बंदा वहाँ पे हिंदी में बात करता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं हिंदी में। तो वो इतना पहले मेरे लिए शौक था, मुझे लगता था कि वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज, जबकि उनके अपने बहुत डायलेक्ट्स हैं, उनके अपने अपनी ज़बानें बहुत हैं, मगर वही रीज़न है वहाँ पे कि इतने सारे थे कि एक कॉमन लैंग्वेज जो बात करने की है उस अरुणाचल प्रदेश में वो है हिंदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। बिल्कुल, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू विशाल विशाल भारद्वाज मूवीज एंड आई वोंट हैव द गुड फॉर्च्यून टू वर्क विद हिम येट, बट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिज मूवीज। गॉट अ स्टेलर कास्ट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय माय डियर फ्रेंड साजिद नरेडवाला, हू ऑलवेज कम्स अप विद अ जेम। सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड आई लाइक द थीम एंड आई थिंक इट शुड बी ग्रेट। विशाल जी के बीच में और मेरे बीच में जो चल रहा है वो हम दोनों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल, थैंक यू वेरी मच। नहीं, पॉप सिंगर नहीं है। तेरी फोटो लगाऊंगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है कि रंगून से क्या एक्सपेक्टेशन है, बट जवाब देना बहुत मुश्किल है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और अपने छोटे से करियर में वो इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े फिल्म मेकर बन गए, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी फिल्म जब भी आने वाली होती है, अनाउंस होती है, तब से देखने का मन करता है। और हर एक फिल्म में कोई अनोखापन है, कहानी कहने का तरीका, जो सिनेमा है विशाल भारद्वाज का वो अलग ही है, उस पर उनका एक छापा है और उसके ऊपर शायद मेरे फेवरेट स्टार हैं। उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला बट बहुत मन है। कंगना का मैं उनको बोल चुका हूँ कि तुम्हारी जब फैन लोगों की लाइन लगेगी सबसे आगे मैं खड़ा हूँ, मैं ये मेरे बहुत फेवरेट स्टार हैं। और सैफ को तो बहुत पहले से उन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है, तो बहुत ही अनोखी टीम है, अनोखी बोले तो बहुत ही प्यारी टीम है। और जब ऐसी हस्तियाँ जुड़ती हैं और साथ में आती हैं तो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू क्या होने वाला है। और जैसे पहले बोला मैंने आपकी कि विशाल की फिल्मों ने हमेशा मेरे को बहुत इंस्पायर किया है मेरे काम में, ना सिर्फ मेरे काम में, हमारे जितने बाकी फिल्म मेकर हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं और कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं, उनको उनसे बहुत प्यार भी है और बहुत जलन भी है, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम भी करते हैं बट हमको सिखा के भी जाते हैं। जी देखा है जी। ट्रेलर तो ट्रेलर होता है, फिल्म फिल्म होती है। ट्रेलर का अपना मकसद होता है कि वो एक झलक दिखला जाए और आपके अंदर एक ऐसी उत्सुकता पैदा करे जो आपका मन करे कि आप थिएटर में जाएं। एक बात ज़रूरी है, ज़रूर है कि ट्रेलर देख के ऐसा ही महसूस हुआ कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए, ये छोटे पर्दे वाली फिल्म नहीं है, कि चलो अब आज मैं बिज़ी हूँ, मैं एक महीने बाद देख लूँगा जब शोकेस पे आएगी, ये वो वाली फिल्म मेरे को ऐसी महसूस होती नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की उसकी लास्ट वो INA ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एक हिस्ट्री का एक जो बैकग्राउंड है उसमें एक भारतीय इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का एक पहलू है और उसके ऊपर एक लव स्टोरी उसमें गढ़ना कोई आसान काम नहीं। अरे मैंने जब भी विशाल फिल्म बनाते हैं तो इससे पहले अगर आपने हाई जंप
छः मीटर का मारा था तो वो बार को ऊपर करके 7 मीटर कर देते हैं। तो जब आपकी बारी आती है आपको 7 क्लियर करना होता है, जब तक आप 7 क्लियर करना सीखते हैं वो 8-9 पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत, तो वो हमेशा ही रेजेज द बार एज यू से इन इंग्लिश, और बड़ा ही मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क। ऑल द बेस्ट। हाँ क्या करूँ यहाँ पे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल सर, उनकी फिल्म है, कंगना है, शाहिद हैं, सैफ हैं, एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए और हाई है जी। ये बहुत गट्सी एक्टर्स हैं, इन्होंने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है, चाहे वो कंगना हो, शाहिद हो, सैफ हो, ये अपने हिसाब से अपनी कहानियाँ चुनते हैं, और अब ये विशाल सर के साथ हैं तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी जी। इसी के लिए ऐसे फिल्म मेकर्स लगते हैं जिनका नाम विशाल भारद्वाज है कि वो अपनी कहानी को एक ऐसा बैकड्रॉप देते हैं और वैसे कैरेक्टर्स देते हैं जो आपने पहले नहीं देखे, तो नई चीज़ है, बिल्कुल देखने में मज़ा आएगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, नया लगा, और बिल्कुल यही देखने आया हूँ कि कुछ जिस तरह के मेकर हैं कुछ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे हम जैसे फिल्म मेकर्स को। थैंक यू। I think it's going to be damn exciting. Super. I mean, they are all brilliant actors, but I think Vishal sir, the performance he gets out of his actors is always amazing. It's always unique. So, however much we might have worked with actors, whenever we see Vishal sir's work, we're always like he takes it to the next level. Everything is rocking. See, I have seen the trailer of this film and I really liked it. And I am expecting that Vishal will also one more time surprise us. He's a wonderful man and a great filmmaker. So I'm coming with huge expectations and a lot of love and affection for him. Thank you. I love the trailer. That's why I said I watched the trailer. That's why I'm here, because it is wonderful. Very unusual, very different from the usual Hindi cinema. And it really grabbed me and I'm here to see it. Thank you. Thank you. Yeah.
ये जूलिया की निशानी है। हाँ भैया बोलिए बोलिए, क्या बात है। गंगा जी सर बिल्कुल जाना चाहिए कि हम सभी ने इस फिल्म से बहुत सारी बातें की हमने फिल्म को लेके। अभी एक्साइटेड है, हम थोड़ा नर्वस भी हो गए हैं क्योंकि अभी हमारे ट्रायल्स हैं एंड अभी देखते हैं क्या रिएक्शन है। जूलिया जो किरदार है जिस तरह का हम देखते हैं और जब भीम और खास करके तनु रिटर्न वो दोनों फिल्मों के बात करते हैं तो जो कन्ना रियल लाइफ में है वो भी कहीं ना कहीं हमें जूलिया की जो बिंदास में से उसको नजर आ रहा है। देखिए अब क्या है क्या नहीं तो देखने के बाद ही पता चलेगा कितना आपको बिंदास लगा। लेकिन ये एक डेफिनेटली ये कोशिश की गई है कि जो पिछला किरदार था उससे एक कदम थोड़ा आगे से हाय सॉरी फॉर दिस अंडरस्टैंड सीरियस है तो काफ़ी उत्सुक है हम लोग फिल्म दिखाने के लिए। विशाल सर जो डायरेक्टर है वो सबकी विश लिस्ट में रहते हैं हमेशा कि सब एक्टर्स के साथ काम, मुझे अब इतने मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का तो ये तो उम्मीद है कि आप आगे बढ़ा जाए। ये बहुत चैलेंजिंग हुआ है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अब वो तो कहा नहीं जा सकता लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोल है। अभी देखिए आप फिल्म में देखिए It seems like a very exciting combination. I'm really looking forward to the streaming and I'm very sure it's going to turn out to be something which is very exciting. Trailer dekha hoga sir. Yes. I found the trailer very exciting. You know, the kind of the way in which Vishal sir has captured the era in which the film has been set. Even the way the characters are looking, it's like kind of got my attention and kind of got me very excited. So that's, I mean, I had, you know, I mean, Shahid had called me to come for tomorrow's screening. I couldn't wait. I said, no, I'm going to come for today's screening only because I just can't wait to see the film. No, I haven't thought of anything. I don't know, actually I don't really plan so much in advance. I take things as they come. So if there is something which is very exciting, why not? Thank you so much. Thank you, sir.